फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज चैप्टर 12 डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 12। 11 चैप्टर तक कल हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि चैप्टर 12 है। ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर का ये नाम है। द ऑर्डर ऑफ PDE, ठीक है। PDE का मतलब है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या PDF में समझ लेना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, खैर मजाक था, ठीक है। 4 डेल्टा क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 9 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 6 डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस 3 डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 ऑप्शन सही है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, यहाँ पे हमारा कॉसी लीनियर सही है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। डिग्री पूछा है, तो डिग्री क्या है हमारी, ये है भाई, हमको दिख रहा है इसमें पावर 3, ये हमारी डिग्री हो गई। अगला है द लीनियर PDE मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर द डिग्री ऑफ, तो यहाँ कौन सी डिग्री सही होगी, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कल के वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इक्वेशन जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी इज, यहाँ ऑप्शन सी सही है, जेड इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस पी क्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वेयर इलिमिनेटिंग फाई इज, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अगले एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, जेड इक्वल टू एफ एक्स माइनस वाई प्लस जी एक्स माइनस आई वाई वेयर आई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ ऑप्शन बी सही है, डेल वाई डेल टू वाई डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू वाई डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा, देखा तो नहीं, देखा होगा तब भी क्या है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आंसर थे जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी इसी में था, अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। 30 नंबर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग मिला लीजिएगा कि आपने सही दिया था या नहीं, ऑप्शन सी सही है, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर द क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड प्लस माइनस वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स वाई माइनस जेड एक्स इज, यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दी गई है वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई इज, यहाँ ऑप्शन ए सही है, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है द जनरल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज, यहाँ ऑप्शन ए सही है, एफ एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड कॉमन वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप से है, इसमें नन ऑफ दीज है, क्या आंसर आया ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आंसर क्या आया, या तो नन ऑफ दीज है तो आंसर होगा क्या, बताइए। अगला क्वेश्चन है द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इक्वल टू 1, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वन माइनस रूट ए का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू इज, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन आर स्क्वायर प्लस टू एस माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे आर एस टी जो भी हैं इनके कुछ मीनिंग्स हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है, मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मैथ रटी नहीं जा सकती, केवल अगर आपको पता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल आर एस टी का मतलब अगर आपको नहीं पता है तब भी आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, अगर पता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4 0 है, तो यहाँ डिग्री पूछी है, तो अभी डिग्री पीछे भी बता चुके हैं हमने पहले वीडियो में,
डिग्री वाले चैप्टर में डिस्कस किया था सबसे डिग्री और ऑर्डर के बारे में, तो उसमें से आप जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9 है, तो इसमें से पूछा है कौन सी लीनियर है, तो ऑप्शन सी सही है, ये लीनियर है। अगली पूछा है ये कौन सी है, इससे पहले भी कौन सी लीनियर इक्वेशन आई थी, तो आप इसको देख लीजिएगा। लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछी है, ये इंपॉर्टेंट है। पी इस पी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर आर गिवन बाई, तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, डी एक्स अपॉन पी पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, अगले चैप्टर पे चैप्टर 14 है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2r प्लस 5s प्लस 2t इक्वल टू 0, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन r इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 15 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, मोंगेज मेथड है, मोंगेज मेथड से भी एक आधा क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिल जाए, और नहीं भी आए कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए बस। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। मोंगेज सब्सिडरी इक्वेशंस फॉर आर इक्वल टू टी आर, क्वेश्चन आंसर नंबर बी सही है, डी टू वाई माइनस डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, डी पी डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल टू जीरो। अगला क्वेश्चन है द लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द इक्वेशन आर टी माइनस एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ ऑप्शन बी सही है, लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे चारे चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, और अगर आपने इसे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे जो है चैनल पे जा करके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट न्यूज़ सारी आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, ज़्यादातर तो बीएससी मैथ्स की ही पढ़ी है, लेकिन जल्दी ही हम इस पर और भी काम करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पर इसी प्रकार से बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।